अपने लुक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी तरफ से देखोगे तो यार इतनी प्यारी लुक है। ये है स्टील बर्ड का, ये है वेगा का। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ भाई, ये ना प्रेस नहीं होता, मैं पूरी जान भी लगा दूंगा ना, ये बड़े प्यार से ना ये ऐसे दब जाता है, और जैसे मैं इसको दबाऊंगा भी ना उसमें से आवाज भी आती है। देख रहा हूँ, ये देखो, ये देखो फॉल होता है। और इनकेस अगर आपने इसको अच्छे से लॉक नहीं कराया तो ये खुल जाता है, आपको ना इसके अंदर सन शेड देखने के लिए मिल जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे पास दो खिलौने, एक है वेगा का बोल्ट और एक है ये वायरल हेलमेट जो कि है स्टील बर्ड का SBA 27 विंग्स। तो आज बात करने वाला है इन दोनों को हेलमेट के बारे में और करते हैं कंपैरिजन। हमारे पास है दो हेलमेट क्योंकि यार सोच रहे थे लोग कि भाई इसके अलावा भी कोई एक अच्छा ऑप्शन बताओ जो कि इस प्राइस रेंज में आता हो और इसके जैसा ही हो। तो भाई लेके आ गया इन दोनों हेलमेट्स का कंपैरिजन। ये जो है दोस्तों, ये है अपने स्टील बर्ड का SBA 720 विंग्स जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका काफी वीडियो कराया मैंने। और ये है हमारा वेगा का बोल्ट। तो आप देख ही सकते हो लुक वाइज दोनों बहुत ही बढ़िया है। देखो दोस्तों, लुक जो होती है सब्जेक्टिव होती है, तो कुछ लोगों को इसकी लुक पसंद आएगी, कुछ लोगों को इसकी लुक पसंद आएगी। तो अगर हम इसको खड़ा करें तो यार देख ही सकते हो इसकी लुक कुछ ऐसी सी देखने के लिए आपको देखने के लिए मिल जाती है, राइट। तो पूरी तरफ से देखोगे तो यार इतनी प्यारी लुक है। लुक के मामले में मैं कहूँगा दोनों ही हेलमेट बहुत बढ़िया है। हाँ, इसके साथ अलग फीचर्स आते हैं जो कि अलग चीज़ है, और इसके साथ अलग फीचर आते हैं। अब इसकी लुक देखें तो भाई ये अपने लुक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, देख ही सकते हो पूरा लुक भाई, पूरा स्मोक वाइजर के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। और जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इसका ये बड़ा सा स्पॉइलर। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन को, एंड सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेन चीज़ की जो कि है बिल्ड क्वालिटी। तो भाई बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, ये है स्टील बर्ड का, ये है वेगा का। तो ऑनेस्टली अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ भाई, क्वालिटी जो है इसकी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगा, इधर देखो, अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ भाई, ये ना प्रेस नहीं होता, मैं पूरी जान भी लगा दूंगा ना ये प्रेस नहीं होएगा। अगर मैं साउंड भी सुनाऊँ तो काफ़ी आपको रोबस्ट सा, थोड़ा काफ़ी सॉलिड सा साउंड फील होता है। वहीं अगर हम आ जाते हैं अपने स्टील बर्ड की तरफ, देखो दोस्तों कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो किसी का डर नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो बड़े प्यार से ना ये ऐसे दब जाता है, और जैसे मैं इसको दबाऊंगा उसमें से आवाज़ भी आती है। देख रहे हो, ये देखो, ये देखो बड़े प्यार से दब जाता है, और ये देखो, और इसके अंदर से अलग आवाज आती है। तो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी वाइज बताऊं दोस्तों, तो ये वाला जो है ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वेगा का बोल्ट वाला। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये हल्का सा कह सकते हो आप, 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यार सबसे बढ़िया चीज है ये है एक वन शेल हेलमेट, मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही है, राइट। तो ये जो हेलमेट्स होते हैं ना, बेसिकली ये सेफ्टी वाइज काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर इन केस ऑफ फॉल और एक्सीडेंट ये जो है ऊपर उड़ के नहीं जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये है एक मॉड्यूलर हेलमेट, तो ये जो है ना ये फ्लिप अप हेलमेट होता है, ये आराम से खुल जाता है। तो इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि यार ये काफी कन्वीनियंट होता है, अगर आप राइड पर ड्रिंक वगैरह करना चाहते हो, मतलब कि पानी पीना चाहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो इसको खोल के, आपको पूरा हेलमेट उतारने की जरूरत नहीं आएगी। बट यस दोस्तों, अगर सेफ्टी वाइज बात करें तो ये जो मॉड्यूलर हेलमेट होते हैं ना, इनको थोड़ा कम सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब फॉल होता है और इनकेस अगर आपने इसको अच्छे से लॉक नहीं कराया तो ये खुल जाता है, राइट। तो ये चीज़ है, ये है एक वन शेल हेलमेट, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है अपना मॉड्यूलर हेलमेट। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके साथ आपको सनशेड आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ये नॉर्मल सा ही है, राइट। इसके साथ ये अच्छी चीज़ है कि आपको ना इसके अंदर सनशेड देखने के लिए मिल जाता है, और वो भी आपके फेस को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो ये सनशेड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो देख ही सकते हो दोनों ही हेलमेट्स में जो है आपको रिमूवेबल पैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसकी जो पैडिंग है थोड़ी सी थिन है, थोड़ी सी कंफर्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके साथ भी आपको रिमूवेबल जो है पैडिंग देखने को मिल जाती है, जो इसकी लेकिन पैडिंग है ना दोस्तों वो थोड़ी सी आपको थिक देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपको काफ़ी कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। और उस चीज़ के हिसाब से दोनों ही हेलमेट जो है काफ़ी अच्छे हैं। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्ट्रैप्स की, या फिर आप कह सकते हो लॉक की, तो इसके साथ जो लॉक आता है ये नॉर्मली लॉक है,
ठीक है। इसके साथ आपको डीएंग देखने के लिए नहीं मिलता है, बट यस दोस्तों ये जो होते हैं ना सिटी राइड वगैरह के लिए काफी अच्छे होते हैं, तो क्योंकि अगर सिटी वगैरह में कभी फॉल हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोगों को वो डीएंग खोलना नहीं आता है। लेकिन इसके साथ ये चीज अच्छी होती है कि आप आराम से इसको बस आपको लिफ्ट करना है और ये आराम से खुल जाता है। तो जो लॉकिंग मैकेनिज्म है दोस्तों वो दोनों ही हेलमेट्स का बहुत बढ़िया है। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो चिन कवर होता है ना आपका, जिससे आपके चिन पे प्रोटेक्शन मिलता है, कभी कभी यहाँ पर अगर आप मोटर लॉक वगैरह करते हो तो यहाँ से ना एयर बहुत ज्यादा जाती है, तो दोनों में आपको कवर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इसका जो कवर है चिन कवर, ये थोड़ा सा जो है आप छोटा कहोगे एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है, विंड नॉइज वगैरह से काफी कम आता है। बाकी दोस्तों अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा बहुत ये है, फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में भाई ये ज्यादा है, लुक में भाई मेरे हिसाब से तो यही है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लुक किसकी अच्छी लगी, मेरे हिसाब से लुक इसकी ज्यादा अच्छी है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 2000 समथिंग में पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन 1700 आराम से मिल जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन आपको दिखता है 1800 रुपए में और 1600-1500 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 100-200 रुपए का दोनों हेलमेट में आपको फर्क मिल जाता है जब आप ऑफलाइन स्टोर पे जाते हो। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो दोनों का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।